किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुरादाबादी दाल बनाएंगे। मुरादाबादी दाल चाट की तरह खाई जाती है। इसके लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। उबली हुई मूंग की दाल, पापड़ी, कटी प्याज, कटे टमाटर, कटी हरी मिर्च, घिसा हुआ अदरक, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, भुना जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, घी, मक्खन, नींबू का रस और हरी चटनी। सबसे पहले अपनी दाल को बॉईल करेंगे। मूंग दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसे पानी से वॉश करके अच्छे से कुकर में डाल रही हूँ। ये मेरी 1 कप दाल है। इसमें हम 3 कप पानी डालकर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच घी डालेंगे और फिर कुकर बंद करके इसमें सीटी लगाएंगे। हमें 2 सीटियां लेनी है। 2 सीटी लेने के बाद इसे हम गैस से नीचे उतार कर एक बर्तन में अलग निकाल कर रख लेंगे। चाट तैयार करने से पहले हमें थोड़ी सी मूंग की दाल को पकाना है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे और उसमें अपना हींग डालेंगे और अपनी मूंग की दाल को डाल देंगे। उसे धीरे धीरे 5 मिनट तक पकाएंगे। जब मक्खन और हींग के साथ हम 5 मिनट तक पकाएंगे तो दाल हमारी थोड़ी थिक होगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। जब हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी तो उसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। गरम दाल की हमें चाट तैयार करनी है। उसमें हम सबसे पहले अपनी पापड़ियाँ क्रश करके डालेंगे। पापड़ियाँ डालने के बाद इसमें हम कटी प्याज डालेंगे। कटी प्याज डालने के बाद इसमें हम कटे टमाटर डालेंगे। कटे टमाटर डालने के बाद इसमें हम घिसा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक आप काट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें बटर डालेंगे 1 चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद इसमें अपना नमक डालेंगे। नमक हम दाल में पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए हमें नमक को यहाँ पे ध्यान से डालना है। इसके बाद इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करने के बाद यदि हम चाहते हैं इसमें काली मिर्च डालना तो हम डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने ग्रीन चिली और रेड चिली का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसके ऊपर से हम हरी चटनी डालेंगे और फिर हम कटा हरा धनिया डालने के बाद इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने का इसमें एक्स्ट्रा पापड़ी रखेंगे और हमारी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। कम या ज़्यादा मसाले करने हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यदि आपको मुरादाबादी दाल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।